हेलो एवरीवन, रेडियोग्राफर्स क्लासेस के ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन नए टॉपिक के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि अपना जो इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर होता है उसका एक पार्ट होता है। उसका फर्स्ट टॉपिक ही अपने क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसका अपना पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो अपना वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि किसी भी मैटर की क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी अपना पदार्थ होता है उसका क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, विच गवर्न्स हाउ द पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो नियंत्रित करता है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह अफेक्टेड होगा। जैसे अपने एक्सरे की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एक्सरे को ना मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पर कोई भी मास नहीं होता है और ना ही उनके पास कोई चार्ज होता है। तो किसी भी चार्ज की अनुपस्थिति होने पर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यों होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है, ठीक है, ऐसा यूनिट, ठीक है, वो क्या होती है, अपनी कूलाम होती है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था जिसके नाम पर ये यूनिट दी गई है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, उसी नाम से ये यूनिट भी अपनी लिख गई है, जिसे अपन कैपिटल से ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। उसके बाद है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ एटम। उसका मतलब ये है कि जो एटम एलिमेंट्स जो अपना होता है वो एटम का बना हुआ होता है। सबसे छोटी जो पार्टिकल है, किसी चीज़ का टुकड़े कर रहे हैं अपन, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। एटम का कभी भी कोई छोटा पार्टिकल नहीं होता है। एवरी एटम कंटेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रत्येक जो एटम होता है वो क्या कंटेंट करता है, इलेक्ट्रॉन कंटेंट करता है, प्रोटॉन कंटेंट करता है, न्यूट्रॉन कंटेंट करता है। इलेक्ट्रॉन होता है जो एटम के बाहर चक्कर लगा रहा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है एटम के न्यूक्लियस में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है। जनरली एन एटम कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जनरली सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी एटम में क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, व्हेन एन एटम हैज़ एन इम्बैलेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द प्रोटॉन्स इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इसमें क्या होता है कि जब कोई एटम होता है ना, वो क्या इम्बैलेंस हो जाए, मतलब क्या होता है कि आपने जस्ट पहले लाइन में पढ़ा है कि जनरली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन अपने इसमें क्या हुआ कि बराबर नहीं हो के इम्बैलेंस हो गए, कि या तो प्रोटॉन कम है या प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इम्बैलेंस हो गया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। फिर उसके बाद अपने लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स आर फिर्म इनसाइड द न्यूक्लियस, दे आर नॉट एज फ्री एज इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, अपना जो एटम होता है उसके बाहर वाली जो सेल्स होती हैं उसमें चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन जो अपना प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होता है, वो फिक्स होता है, वो चक्कर नहीं लगा रहा होता है। इफ़ एन एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन पार्टिकल इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि अपने जो एटम है उसके अंदर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या है, ज़्यादा है, और प्रोटॉनों की संख्या कम है। जैसे अपने जनरली कि अपन मान के सामान्य तो बराबर होता है, मान के चलते हैं कि पहले अपने बराबर थे, 10 प्रोटॉन थे, 10 अपने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, 10 से 11 हो गई, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका सबसे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि अपन ने किसी से पैसा लिया तो अपन क्या हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं, बोलते हैं ना, उसका ऋण ले रखा है अपन ने, तो ऋणी हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन उसके पास क्या है, माइनस में जा चुका है वो, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। इफ़ एन एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या तो अपने मान के चला था कि 10 10 है, तो प्रोटॉन की संख्या तो 10 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या
नौ रह गई है, तो मान के चल ये क्या दाता है, इसने दिया है, दाता यानी कि क्या कहता है, दाता वाले पॉजिटिव कहेंगे, पर अपन जिसने पैसा दिया था वो तो ऋण में हो गया और जिसने दे गए थे वो प्लस में था, तो उस पर क्या गया प्लस आ जा गया। सेम चीज़ अपने एटम पर होती है, ठीक है। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज में, अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अपन बात करते हैं कि अपना एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद सेल होती है, के एल एम एन सेल्स होती हैं, जो इनर सेल्स होती हैं, सबसे इनर सेल होती है अपनी के सेल, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होता है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि जो अलग अलग चार्ज और चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन होगा, और अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो वो रिपेल करेंगे, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इसे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विच इज़ फॉर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज वेरी वीक, दीज इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि अपन ने पढ़ा, एक अंदर था, एक बाहर वाली सैर पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। जैसे अपन एक चीज़ को बात करते हैं, अपने बचपन में पहले भी बहुत बार देखा होगा कि मैग्नेट होता है, उसको दो मैग्नेट अपन को दूर दूर रखते हैं तो कम अट्रैक्ट होते हैं, पास पास लाते हैं तो उनको फोर्स फील होने लग जाता है, ज़्यादा अट्रैक्शन होने लग जाता है, तो वो क्या है कि पास में तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होता है। तो इसमें भी सेम चीज़ यही हो रही है कि दूर दूर जा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, बट दोनों दूर हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, इसलिए इन अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो ही तरह के चार्ज हमेशा होते हैं, एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है अपना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद में अपना आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड सेम एज एनर्जी कंजर्वेशन रूल। इसका मतलब ये है कि ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन बना सकते हैं, ठीक है, और ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जैसे अपने एनर्जी कंजर्वेशन रूल में पढ़ा था कि ना तो अपन एनर्जी को बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे एनर्जी कन्वर्शन कर हिंदी में बोल रहे थे, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोल रहे थे। उसी तरह इसमें भी यही होता है कि ना तो किसी चार्ज को बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे बहुत पहले भी आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक सिल्क का अपन क्या लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, और एक रोड लेते हैं, मेटेलिक रोड, ठीक है। अगर दोनों को रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होगा कि जो अपनी मेटेलिक जो रोड थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिग्नल पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ना तो अपन ने उसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर दिया। वो चार्ज था वो अपने पास किस में था, रोड में था, वो अपने कपड़े में चला गया, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। सेम चीज़ यही होती है कि ना तो बना सकते हैं ना इसको घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्टेड एंड लाइक चार्ज आर रिपेल। इसका मतलब है अनलाइक यानी कि डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लाइक चार्ज सेम चार्ज होते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं वो अपन को रिपेल करते हैं। सेम चार्ज कौन से, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, सेम चार्ज हो गया, रिपेल करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल करेगा, ठीक है। इसमें पहले एग्जांपल में लिख रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्शन होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको बताऊँ, अपन अट्रैक्शन में पढ़ें, बॉय गर्ल अट्रैक्शन होगा, समझ रहे हो, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉय प्लस प्लस बॉय बॉय हैं, रिपेल होगा, नेगेटिव नेगेटिव गर्ल्स गर्ल्स रिपेल होगा, बॉय गर्ल्स अट्रैक्शन होगा, इसका एग्जांपल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपना कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।